अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर बीमारी से, हर मुश्किल, हर परेशानी से बचाए रखे। और सुनाएं आप सब लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है? आज तो बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, धूप निकली है लेकिन हवा बड़ी अच्छी चल रही है और टेम्परेचर भी कम है। कल रात भी हम लोग छत पर सो रहे थे तो सर्दी लग रही थी, तो हम लोग ये चादरें वगैरह लेकर सोए हैं। फिर सुबह हम लोग जल्दी उतर आए थे, फजर के टाइम में नीचे उतर आए थे क्योंकि सर्दी ज़्यादा लग रही थी और छोटा बेटा जो है राफे, वो बार बार चादर उतार देता था। तो अभी बस सफाई वगैरह से फारिग हो के मैं किचन में आई थी और बच्चों ने फरमाइश की थी उसकी मैक्रोनी की, अभी मैं मैक्रोनी बस बना रही हूँ उसी की। वो सब्ज़ियाँ वगैरह काट के हटी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है मैक्रोनी की तैयार, वो सब्ज़ियाँ वगैरह काटने में, चाइनीज़ जितना भी है उसका बस टाइम ही सारा कटिंग में ही लगता है। तो बाकी ये क्या बन के तो एक ही चीज़ तैयार होती है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये बन गोभी मैंने काट ली है, ये मैंने कद्दूकश की है। मुझे इतनी सारी काटने मुझे टाइम लगता क्योंकि मैं थक भी काफ़ी गई थी। और ये चिकन का कीमा, कीमा तो खैर नहीं है, कीमे से मोटा है जो मैंने काट के रखा है। और शिमला मिर्च है, गाजर है और ये दो टमाटर हैं जो कि मैंने ग्राइंड कर लिए थे, और ऑयल है और ये मैक्रोनी है क्योंकि मैं बनाऊंगी, ज़्यादा बनाऊंगी ताकि बच्चे दो टाइम खा लें और मुझे शाम को कुछ और ना बनाना पड़े। तो बस अभी मैं इसी की तैयारी कर रही थी, डस्टिंग वगैरह करके फारिग हुई हूँ और सफाई वगैरह से फारिग हो के अभी मैंने कहा बना लेती हूँ क्योंकि अंजल को कॉलेज से अंजल फ्री हो जाते हैं 12 बजे, तो वो जल्दी आ जाते हैं। सुबह नाश्ता भी थोड़ा सा करके गया है तो बस यही है कि मैं उसके आने से पहले पहले ना जल्दी से तैयार कर लूँ ये मैक्रोनी ताकि उसके आने तक तैयार हो और वो आकर खा ले। आकर उसने पढ़ना है, फिर अकेडमी जाना है, उसका टेस्ट है मैथ का। प्लीज़ आप सब लोग दुआ करना, अल्लाह करे उसके और मेरी बेटी है वो फर्स्ट ईयर में है, तो इन दोनों के पेपर बहुत अच्छे हो जाएँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोग भी और ये दोनों भी बहुत अच्छे नंबरों से FSC से, FA जो कर रहे हैं सारे बच्चे एग्ज़ाम से ना पास हो जाएं बहुत अच्छे नंबरों से। अल्लाह ताला से दुआ है आपके, मेरे, हम सब के बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे क्योंकि जिस तरह का ये चल रहा है कोरोना की वजह से, अकेडमियां भी नहीं प्रॉपर खुली हैं, कॉलेज भी नहीं खुले हैं, पढ़ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है अब खुल गए हैं, तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैसे नहीं जैसे कि होनी चाहिए। तो बाकी उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी बड़ा रिलीफ दी है बच्चों को, शुक्र है अल्लाह का चलें। तो बस आप लोग सब प्लीज़ दुआ करना, बच्चे मेरे दोनों प्री इंजीनियरिंग में हैं तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। तो अभी बस मैं बनाना शुरू करूँगी। ये मैंने लहसुन डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी फिर बाद में चिकन डाल दूँगी इसमें। बस अभी एक दो मिनट इसको फ्राई करके खुशबू आने लग गई है इसकी, तो मैं ये चिकन डाल दूँगी। आज जल्दी कुकिंग शुरू कर रही हूँ वरना अंजल को आता है तो उसको मैं दूध या कोई शरबत वगैरह दे देती हूँ, फिर तकरीबन 2 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं। तो आज वो कह रहा था मम्मी मेरे आने तक बना के रखना, तो मैं मिलेगा और फारिग भी थी, यही कुछ ही तो करना था अभी मैंने बाद में फिर मैं कर लूँगी। अभी बस चिकन में तो ये थोड़ा सा भून के तो ये सारी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी और टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, एक प्याज भी डालूँगी मैं छोटा काट के ना, और अभी पानी रख के मैंने मैक्रोनी पर रख देती हूँ साथ। ये मैंने इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह डाली हैं चिकन में और अब मैं डालूँगी ये सिरका और सोया सॉस है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है और सुर्ख दड़ा मिर्च है और चिली गार्लिक सॉस है। मैं अब अंदाजे से डाल दूँगी क्योंकि अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे आप लोग खाते हैं आप लोग डाल दें, वरना दो दो खाने के चम्मच जो हैं बड़े अब वो डाल दें इसमें, ठीक है? और साथ नमक और काली मिर्च डालूँगी, सिरका, सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस मैंने डाल दी है। अब ये ब्लैक पेपर डाल दूँगी, चिली सॉस, ठीक है, और ये थोड़ी सी
दड़ा मिर्च डाल दूँगी, आप लोगों को भी कम ज़्यादा लगे तो आप लोग अपने हिसाब से डाल लें। एक मिनट पिछाना, और ये नमक, वो टमाटर पकड़ा है, टमाटर देना ज़रा। नमक डाल दिया मैंने, और ये टमाटर का पेस्ट है, ये भी साथ ही डाल दूँगी। बस अब इसको मैं हल्की आँच पे रख दूँगी ताकि सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं, क्योंकि इनको गलाना तो कोई इतना होता नहीं है, सारा कुछ हो जाएगा। मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्च, सुर्ख दड़ा मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ठीक है। और इधर मैंने ये पानी रख दिया, नमक और ऑयल का एक चम्मच डाल के पानी बॉयल होने को रख दिया है। मैक्रोनी बॉयल होगी, आपने इसको ना खुले पानी से और ठंडे पानी से निकाल लेना है बहुत अच्छी तरह, ताकि गर्म ना रहे वरना ये जुड़ जाती है। वॉश करके आप इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, ये जुड़ती नहीं है। इसके बॉयल करने का टाइम हर किसी के शहर के अपने पानी के हिसाब से है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ, वहाँ ये 8-10 मिनट में हो जाती है। हमारा यहाँ फैसलाबाद का पानी बहुत खारा है, मुझे 15 मिनट लगे हैं इसको बॉइल करने में। जी बस राफे को बहुत पसंद है ये मैक्रोनी, जब से मैं बना रही हूँ बार बार किचन के चक्कर लगा रहा हूँ, अभी बस बन रही है वो। अभी मैं इसको वो लगा लूँगी ऑयल ज़रा, बस अब ये मैंने डाल दिया इसमें मैक्रोनी वगैरह और वो सब्जी और चिकन का मटीरियल। अब इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी सिरका और क्या हो गया रफे, चिली सॉस डाल दूँगी और सॉरी सोया सॉस डाला है मैंने, अब ये चिली सॉस डाल दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगेगा तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से दोबारा डाल लें। अब मेरी रेडी हो गई है ये मैक्रोनी, अच्छी तरह आपस में धो के लाती हूँ। अंदर बोतल बंद कर दो, हाँ हाँ क्योंकि मोटर चलती रहती है, फिर पानी गिरता है यहाँ ना, कम नमक जरा कम में डाल दूंगी। थोड़ी सी स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने चिली सॉस ज़्यादा डाला है, और सॉरी चिली सॉस। बस ये अब रेडी है मेरी मैक्रोनी। मैक्रोनी तैयार हो गई है, और मैं लेके के अंजल भी आ गया था उधर एकेडमी से, तो अभी मैंने दी है उनको कि खाना शुरू करेंगे लोग, तो आपको दिखाती हूँ। तेरे के रख दिए, चलो अंदर खा लो, ठंडी हो रही है, डालो अपनी अपनी प्लेटों में। राफे रुको, भाई डाल के दे रहे। ठीक है, मैं अपना ब्लॉग अभी ख़त्म करती हूँ इधर ही। प्लीज़ आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हाँ बेल आइकॉन का प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।